इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर कौन से ये क्रिस्पी सी टिकिया बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। कॉर्न की टिकिया बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कप पोहा चाहिएगा। ये मोटा वाला पोहा है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। उसे एक मिक्सर के जार में डालिए और इसका एक बारीक सा पाउडर हमें बना लेना है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप 2 चम्मच चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस तरीके से पोहों को पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इस तरीके से पोहे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप आपको लेना है ये बॉईल किए हुए कॉर्न है, तो ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो इसे डाल दीजिए। और 2 हरी मिर्च ले लीजिए और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिए। इसे हमें मोटा मोटा सा दरदरा सा इसका पेस्ट बनाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको इसे पीस कर तैयार करना है, मतलब एकदम बारीक आपको पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए, तभी कटलेट्स में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जो हमने पोहे का पाउडर बनाकर रखा था उसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। अब नेक्स्ट आपको लेना है 1 बॉईल किया हुआ आलू, उसे अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए, लेकिन आलू उबला हुआ ही होना चाहिए। और इसे भी हम अच्छी तरीके से इसमें मिला देंगे। अब इस तरीके से मिलाना है हमें कि आलू पोहा और ये कॉर्न एक जैसे मिल जाएं, और थोड़ा सा इसमें आपके स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला दीजिए। अगर आपको नींबू का रस पसंद है तो आप इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस भी मिला सकते हैं। साथ में मिला दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया, इससे मतलब इन टिक्कियों का बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। अब इस स्टेज में आपको जो मसालों का फ्लेवर पसंद है वो आप इसमें मिला सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च या लाल मिर्च पाउडर या अमचूर पाउडर, जिस किस का भी फ्लेवर आपको पसंद है आप इसमें यहाँ पर मिला सकते हो। और अब जो इसमें आपको पानी मिलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें उबले हुए आलू उबले हुए कॉर्न का इस्तेमाल किया है जिनमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, तो इनसे आराम से टिकिया बन जाती है। और हमने जो पोहे का आटा इस्तेमाल किया है वो हमने इस टिकिया को क्रिस्पी बनाने के लिए किया है। तो अगेन, अगर आपके पास पोहा नहीं है तो आप 2 चम्मच चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन टिकियों को बना लेना है, तो ये परफेक्ट बन जाएंगी, इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए कि हमारी सारी हमने टिकियों को बना लिया है। इस तरीके से आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब आपके मन में हो खाने की तब आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पैन की तरफ, और मैं इन्हें सिर्फ पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर रोस्ट करूँगी। आप चाहो तो उन्हें ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, या अगर थोड़ा सा हेल्थी खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से रोस्ट कर सकते हैं। अब आपको गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, और लो फ्लेम पर इन्हें नीचे की साइड से गोल्डन ब्राउन होने देना है। जब ये नीचे की साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हमें इन्हें टर्न करके दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन होने के लिए पका लेंगे। बस इस तरीके से इन्हें अलटते पलटते रहें तब तक कि ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और जो ऊपर की इनकी परत है ये क्रिस्पी ना हो जाए। अगर आप इन टिक्कियों को मेरी तरह रोस्ट कर रहे हैं तो गैस का फ्लेम लो होना चाहिए। अगर आप इन टिक्कियों को फ्राई कर रहे हैं तो गैस का फ्लेम मीडियम से हाई होना चाहिए। जब इस तरीके से आप इन टिक्कियों को पकाओगे तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी। तब आप देख सकते हो कि मैंने इन्हें 5 से 4 मिनट तक हल्की लो फ्लेम पर रोस्ट किया है। अभी नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ऊपर से भी इनका कलर काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सर्व कर देंगे इन्हें प्लेट में खाने के लिए। तो लीजिए, तैयार है हमारे हेल्थी कॉर्न कटलेट्स। इन्हें आप इंजॉय कर सकते हैं टी टाइम में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।